नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। 20 अगस्त 2018 के टॉप 10 करंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि 11वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसके आयोजन से संबंधित पहला क्वेश्चन है आपका। तो ये जो आयोजन है वो आपका मॉरिशस में हो रहा है और 18 से 20 अगस्त 2018 के मध्य हुआ है 11वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में। देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताया जाए। पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि 11वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 11वें नंबर के विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका मॉरिशस में किया जाएगा। इसके थीम वाक्य के बारे में पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो आपका हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति निर्धारित किया गया है। तो थीम है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आयोजन है भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से किया गया है। मॉरिशस में तीसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो आपका नागपुर में फिर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो 11वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका जो आयोजन होगा वो आपका मॉरिशस में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो सड़क सुरक्षा अभियान के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार साहब बनाए गए हैं। अक्षय कुमार साहब को कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। बहुत बड़े एक्टर हैं और इनको सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इमरान खान, इनको पाकिस्तान के 22वें नंबर के प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने पद ग्रहण किया है। तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 22वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अजीत वाडेकर साहब के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अजीत वाडेकर कौन है उसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान है और 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि हाल ही में जिन अजीत वाडेकर साहब का निधन हुआ है उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो खेलों से है, क्रिकेट से है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको पद्मश्री जो अवार्ड है वो किस साल मिला था। तो 1972 में इनको पद्मश्री का अवार्ड से नवाजा गया था। अभी हाल ही में किजी जोजी तो ये शहर जो है न्यूज़ में आया था और क्यों न्यूज़ में आया था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जापान का है ये आपका किजी जोजी शहर। ये आपका हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट पॉइंट है सियेरा लियोन, अभी न्यूज़ में आया था। तो सियेरा लियोन ने इबोला वायरस की एक नई प्रजाति बॉमवाली वायरस को खोजा है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सियेरा लियोन ने हाल ही में इबोला वायरस की एक नई प्रजाति का को खोजा है, उसका नाम क्या है। तो बॉमवाली वायरस इसका नाम है। तो सियेरा लियोन ने इबोला वायरस की एक नई प्रजाति बॉमवाली वायरस को खोजा है। नेक्स्ट पॉइंट है अभी एक नया टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज़ में आया है। मुदुमलाई नाम है टाइगर रिजर्व का और ये आपका तमिलनाडु में है। तो जो अपडेशन क्वेश्चन का होता है वो आपका इसी तरह से होता है। इन्वायरमेंट का जो अपडेशन क्वेश्चन बनेगा नया टाइगर रिजर्व के बारे में अगर पूछा गया तो मुदुमलाई ये नाम जो है वो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए दो प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं, एक तो ये कि क्या अपडेट हो रहा है और एक क्या बन चुका है। तो जो बन चुका है उसका अपडेशन क्या हो सकता है या फिर बहुत सारी जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही जैसे मुदुमलाई ही हो गई टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में है इस वजह से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है और इन्वायरमेंट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 10th ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10th ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था वो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था और इसका जो थीम था अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और समृद्धि के लिए सहयोग के बारे में है। तो 10th जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ। तो जो 20 अगस्त 2018 के टॉप 10 करंट अफेयर्स थे उनमें इतना ही था और कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे नेक्सस की तरफ से वो आपको परीक्षा जब आपकी होगी
तब आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा और लिखिएगा इस पॉइंट को, जितने भी पॉइंट्स आपको लिखाए जाते हैं वो सारे के सारे लिख लीजिएगा। हाँ, जाने से पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोनम वांगचुक का संबंध किस क्षेत्र से है और हाल ही में ये क्यों चर्चा में रहे हैं। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सोनम वांगचुक भारत के हैं ये, हाल ही में इनको कौन सा ऐसा अवार्ड दिया गया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच।